सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। आज मैं आपको ब्रह्म मुद्रा बताने जा रहा हूं। यह मुद्रा ब्रह्मा जी के नाम पर है। ब्रह्म का अर्थ होता है फैलाव। तो यह मुद्रा हमारे मांसपेशियों का फैलाव करने वाली मुद्रा है। यह मस्तिष्क में सकारात्मकता और सृजनात्मकता लाने वाली मुद्रा है। चेहरे की झुर्रियों को यह समाप्त करने वाली मुद्रा है। चेहरे में चमक लाती है, आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया है। यह मुद्रा स्पॉन्डिलाइटिस करने वालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिनको शोल्डर पेन होता है इस दिशा में उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। साइनस की समस्या वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जिन्हें नींद नहीं आती है, मिर्गी की समस्या है, इनको खांसी की समस्या है, अस्थमा दम फूलता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका कफ निकलता चला जाएगा। या आपको चक्कर वगैरह जिनको आता है, वर्टिगो की समस्या है, या हाइट से डर लगता है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है और आसान है। या आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ जाए, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन आदि, उनमें से किसी को भी चुन लें सहूलियत के लिए। और यदि इनमें से किसी में भी नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर, सोफे पर या पलंग पर भी आप बैठ करके कर सकते हैं, परंतु अधिकतम लाभ तो ध्यान मुद्रा में ही बैठने पर, ध्यान आसन पर ही बैठने पर होगा। तो ब्रह्म मुद्रा के लिए तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको हाथों की जो उंगलियां हैं, हस्त मुद्रा यानी, उसके लिए आपको यह करना है कि यदि आपको मस्तिष्क संबंधित या फेस संबंधित कोई दिक्कत है तो उसमें आप जो है ज्ञान मुद्रा अपना सकते हैं, या आप वरुण मुद्रा अपना सकते हैं। इस तरह से ज्ञान मुद्रा, इस तरह से, तो इन दोनों में से किसी एक मुद्रा को अपना लें आप। मेरुदंड को सीधा रखें और धीरे धीरे, इसमें मुख्य चीज है कि आपका एक्शन स्लो होना चाहिए, धीमे धीमे करना है और श्वास को भरना है और धीमे धीमे छोड़ना है। लेकिन लंबी सांस भरनी है, लंबी छोड़नी है। तो पहले मान किसी भी तरह से जब करते हैं तो पहले हम बाईं ओर जाते हैं, तो पहले बाईं ओर मुड़ते हैं, आंख आप बंद भी रख सकते हैं, खुले भी। पांच सांस प्रश्वास यहाँ पर नहीं है आपको, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए।
इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ेंगे धीरे धीरे। इसके बाद पुनः वापस आ जाएंगे। अब फिर श्वास भरते हुए पीछे चले जाएंगे, गर्दन को पीछे झुला देंगे धीरे धीरे। और पीछे देखेंगे जितना देख सकते हैं, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। जबड़ा पर टाइट है यानी दांत पर दांत चढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, जैसे जालंधर बंद में यहाँ सटाते हैं ताड़ी को, उस तरीके से सटाएंगे। पांच श्वास प्रश्वास लेने के बाद धीरे धीरे पुनः अपने पोजीशन पर आ जाए। आधुनिक चिकित्सक कहते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस वालों को यह नहीं करना चाहिए, गर्दन नहीं ठीक करना चाहिए, परंतु योग में स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने का तो यही विधान है। अब आपके ऊपर है कि किसको मानते हैं। योग में तो इसे ठीक हो जाता है, आपको कैल्शियम के लिए मटर के दाने भर चूना ले लेना है सब्जी में या दही में, उसको खाना है, या दूध भी लेना है तो इसे कैल्शियम की पूरी हो जाएगी और स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या है वो दूर होगी। और इसको करेंगे ब्रह्म मुद्रा को, मैंने एक एक बार करके दिखाया, आप पांच पांच बार करें, या चेहरे के मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, बुढ़ापा पकड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और विशेषकर जब हम पीछे की ओर जाते हैं उस मुद्रा में, एक आकाशीय मुद्रा भी होती है, आकाशीय मुद्रा अलग मुद्रा है, वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह से ये ब्रह्म मुद्रा भी बहुत बढ़िया है आपके गर्दन और आपके कंधे के लिए, पीठ के लिए और आगे सीने के लिए, फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कफ बाहर निकाल जाता है, चाहे अस्थमा हो, फ्लरसिस हो, सांस आपकी फूलती हो, रह रह करके आपको छींकें आती हो, कोल्ड से आप परेशान हो जाते हैं, या आपकी एकाग्र शक्ति को भी बढ़ाती है। इससे आपका मस्तिष्क शांत, हल्का, निर्मल होता है।
और रक्तचाप सामान्य हो जाता है। इस मुद्रा को आप कम से कम 5 बार करें तो लाभकारी होगा। कुछ लोग तो एक ही बार करके रह जाते हैं। चलिए, जो कुछ भी नहीं करते हैं उनसे तो खैर बढ़िया है कि एक बार तो कम से कम कर लिया। और जिनको अपना फेस के ग्लोस से संबंधित इसको करना है उनके लिए मैं कुछ और बता देता हूँ कि पानी पर्याप्त पीना चाहिए और देसी गाय का घी खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। क्रीम भी आप लगा सकते हैं, गाय के दूध का क्रीम, हल्दी मिला के लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं, नींबू को उसका रस निचोड़ करके और नींबू को भी लगा सकते हैं, वो भी मैल को साफ कर देता है और चेहरे में चमक लाता है। और आप गुलाब की पंखुड़ियों का रस, कमल की पंखुड़ियों का रस, इसको भी लगा सकते हैं चेहरे में। आयुर्वेद में बहुत सारा वर्णन है। तो यह जो ब्रह्म मुद्रा है यह काफ़ी लाभकारी मुद्रा है और अनावश्यक बहुत नहीं डरे। और यदि बहुत डर लगता हो कि गर्दन में कुछ मोच आ जाएगी ऐसा, तो आप हल्का फुल्का ही कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं झुका करके हल्का झुकाइए, ज़्यादा पीछे नहीं करके हल्का पीछे कीजिए, ज़्यादा इधर नहीं करके हल्का कीजिए। धीरे धीरे जैसे आपके ऐसे आपकी शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आप इसको सटा सकते हैं। आपको बताया धीरे धीरे आपको करना है, तेजी से नहीं करना, धीरे धीरे करना है। और हाफ हाफ कर सकते हैं या और दर करता है चौथाई चौथाई करें। और दर कर रहा है तो बस थोड़ा सा करें, लेकिन थोड़ा सा जरूर हिल डुल करें, क्योंकि हिलाएंगे तभी मांसपेशियों में कुछ हरकत आएगी, तभी नसों में कुछ हरकत आएगी, तभी आप में सुधार होगा। तो थोड़ा थोड़ा हिलाएं, अगर आपको ज़्यादा दर्द रहता है तो फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा हिलाएं, फिर धीरे धीरे थोड़ा और इस तरीके से क्रमशः करते करते आगे समय आएगा कि आप सड़ जाएंगे, इधर भी सट जाएंगे, इधर भी सट जाएंगे, पीछे भी सट जाएंगे और आगे भी सट जाएंगे, तब आपका यह पूरा हो जाएगा। तो ब्रह्म मुद्रा अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जिस तरह से आपको समस्या है उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। ओम हरि।